वर्ल्ड कप ईयर है और संजू सैमसन परफॉर्मेंस करने की बजाय जीरो पर आउट होते जा रहा है। बैक टू बैक सेकंड मैच है जिसमें संजू गोल्डन डक हुआ। संजू सैमसन की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर अब तो सूर्य कुमार यादव का भी रिकॉर्ड खतरे में लग रहा है। IPL के इस सीजन का यह लगातार चौथा ऐसा मैच था जो कि लास्ट बॉल पर फिनिश हुआ। मैच को देखकर फैंस के मुंह से अब यही निकल रहा था। लास्ट ओवर की पहली तीन गेंद देखकर तो CSK के फैंस को लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स यह मैच आसानी से जीत जाए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आए संदीप शर्मा ने लास्ट तीन गेंदों में सिर्फ 3 रन देकर राजस्थान रॉयल को यह मैच 3 रनों से जितवा दिया। रविचंद्रन अश्विन जो चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी हुआ करते थे, कल CSK को ऐसे जख्मी दिए है ना, पहले बैटिंग करने आया तो शानदार 30 रनों की पारी खेली, उसके बाद गेंदबाजी करने आया तो 2 विकेट भी ले लिए। कल मोइन अली कर क्या रहा था, पहले कैच छोड़े फिर बैटिंग करना आया तो बैट छोड़ा और लास्ट तक आते आते मैच भी छोड़ दिया। क्या बढ़िया था गुरु। CSK पर लगता है ग्रहण लग गया है, एक और खिलाड़ी इंजर्ड होकर 2 हफ्तों के लिए बाहर हो गया है। मगाला ने कल के मैच में सिर्फ 2 ओवर फेंके और अच्छा हुआ मगाला से गेंद तो पकड़ी नहीं जाती है, 2 हफ्तों के लिए नहीं पूरे सीजन के लिए बाहर हो जाना था। मगर क्यों? IPL 2023 के हर मैच में कुछ ऐसा रिकॉर्ड बन जा रहा है जो पूरी दुनिया के क्रिकेटर ने सोचा नहीं था। कल CSK वर्सेस राजस्थान मैच के दौरान जब रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे तो जियो सिनेमा पर 2.2 करोड़ की लाइव वॉचिंग आ रही थी, जो कि किसी भी क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा है। जलवा है हमारा।